अब टाइम आ गया है कि मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए वर्मा। अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो वो सब वापस आ सकते हैं वर्मा। सावधान वर्मा। गुरुजी, जो भी आपने अंदर बोला वो सब सच है क्या? वो इंसान नहीं तो कौन है? शक्ति। अच्छा होगा तुम ये जानने की कोशिश मत करो। अगर फिर भी तुमने जानने की कोशिश की तो तुम डर जाओगे। वो एक पहेली की तरह है। आजादी से पहले का भारत, जब देश पर अंग्रेजों का शासन था, हमारे लोगों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। कितने ही युद्ध लड़े गए लेकिन हम उन्हें भारत से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। वो दिन ब दिन मजबूर होते जा रहे थे। उस समय मैसूर प्रांत के लोगों ने अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए काला शक्ति और जादू किया। सभी पंडितों, योगियों, साधु संतों और जादूगरों ने अपना एक गठबंधन बनाया और उन लोगों ने इस गठबंधन का नाम रुद्रापी दिया। अरुणपुर के सभी लोगों ने उनका समर्थन किया। ग्राम प्रधान शिप्रा वर्मा ने रुद्रापी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। जब सब कुछ सही चल रहा था तभी अमेया आ गया। उन सब ने सोचा कि अमेया से हाथ मिलाने से वो उसके मंत्र और वशीकरण विद्या से और ताकतवर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया अमेया ने सबके भरोसे को जीत लिया और उसके बाद उसने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। उसके मंसूबों से अनजान रुद्रापी संघ का ध्यान ही उसकी ओर नहीं गया। वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वो उनके साथ कुछ गलत करने जा रहा है। इस तरह रुद्रापी वास्तविक दुनिया और सामांतर दुनिया के बीच एक प्रवेश द्वार बनाना चाहते थे, ताकि जैसे तैसे भी वो सामांतर दुनिया की शक्तियों का भी प्रयोग कर सके। लेकिन इसी बीच अमेया ने रुद्रापियों के बीच मतभेद पैदा कर दिया। अमेया ने कुछ रुद्रापियों को वशीकरण शक्ति से अपनी तरफ मोहित कर लिया और उनका नाम अमेदिस रख दिया। धीरे धीरे ये संघर्ष बढ़ता गया, जिसके बाद मजबूत अमेया ने रुद्रापी संघ को ध्वस्त करने की कसम खा ली। यहाँ तक कि उसने रुद्रापियों का सिर भी काट दिया और उन्हें भगवान को अर्पित कर दिया। उनमें से कुछ थे जो वहां से बचकर भागने में कामयाब हो गए। उस समय तक उसने सामांतर दुनिया के प्रवेश द्वार बनाने की शक्ति हासिल कर ली थी और यह सब देखकर शिप्र वर्मा ने अमेया का समर्थन किया। उन्हें जो शक्ति मिली वो देखने में हूबहू तरल लावा की तरह लग रही थी। साक्षात देवी रूप को जगाने के लिए उस तरल को जिस किसी नवजात शिशु को माँ के दूध के सेवन करने से पहले पिलाया जाए तो उस बच्चे में देवी की शक्तियां प्रवेश कर जाएंगी, जिसके बाद वो बच्चा दुनिया का सबसे शक्तिशाली बच्चा हो जाएगा और वो बच्चा जीवन पर्यंत ऐश्वर्य के साथ जिएगा। वो बच्चा हमारी वास्तविक दुनिया और सामांतर दुनिया के बीच प्रवेश का द्वार भी होगा। अमेया के पास बच्चे का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड पर प्रभुत्व हासिल करने के लिए केवल आखिरी कदम बचा था। उन्होंने जो भी शक्तियां पैदा की उसकी मदद से वास्तविक दुनिया के साथ सामांतर दुनिया भी अगर उनकी दुश्मन हो जाती, भले ही दुश्मन संख्या और बल में कितने भी ज्यादा आगे होते, लेकिन उस शक्ति के आगे अमेया उन्हें सेकेंडों में नष्ट कर सकता था। लेकिन अमेया की गणना गलत साबित हो गई। ब्रिटिश सरकार को अमेया की मंशा के बारे में पता चल गया और उन्होंने उस पर हमला बोल दिया। अमेया को लगा कि जैसे उसने अपने अंगों को खो दिया हो, क्योंकि वो अपने लक्ष्य के बेहद करीब था।
ब्रिटिशर से बचकर भागने के बाद उसने शिप्रा वर्मा को अपने प्रयासों से हासिल की गई शक्ति दे दी, क्योंकि शिप्रा वर्मा ने हमेशा उसकी मदद की थी। अमिया ने उसे अपने परिवार में नवजात कन्या को खिलाने का निर्देश दिया, जिससे वर्मा परिवार बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। उसने ये भी कहा कि जब वर्मा परिवार में शक्ति का सर्जन होगा तो वो वापस लौट आएगा, ताकि वो उसे अपना माध्यम बनाकर अपने नए लक्ष्यों को हासिल कर सकेगा। इसके बाद फिर उसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, इससे पहले कि वो अंग्रेजों के हाथों मारा जाता। शिप्रा वर्मा की पत्नी गर्भवती हुई, लेकिन बच्चे ने लड़के के रूप में जन्म लिया, जिसे शेष वर्मा का नाम दिया गया। शेष वर्मा की शादी भी हो गई, लेकिन उसे भी बेटी का आशीर्वाद नहीं मिला। शिप्रा वर्मा ने अपनी मृत्यु से पहले शेष वर्मा को शक्तिशाली तरल के बारे में सोचना थी, साथ में उसका अच्छे से ख्याल रखने को भी कहा। यही बात शेष वर्मा ने अपने पुत्र नागा वर्मा को भी बताई। नागा वर्मा की पत्नी गर्भवती हुई, ये बताए जाने के बावजूद कि अगर उसकी पत्नी किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसकी पत्नी की जान को खतरा होगा, नागा वर्मा ने डॉक्टरों से बच्चे के बारे में जाना तो उसने सर्जिकल डिलीवरी करने का आग्रह किया। जैसा कि डॉक्टरों ने अनुमान लगाया था, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। दो पीढ़ियों के बाद बड़े अरमान सजाए बैठा नागा वर्मा उस शक्तिशाली तरल को अपनी बेटी को सेवन कराना चाहता था। अमेया का बनाया हुआ शक्तिशाली तरल उस बच्चे में गहराई से शक्तिशाली रूप में डाला गया, और इस तरह उस बच्चे के अंदर दो दुनिया की शक्तियों का संग्रह प्रवेश कर गया। गुरुजी, क्या ये सब सच है? शक भी मत करना, वो कहीं से सुन रही होगी, क्योंकि वो सब जगह है। उसके अंदर की शक्ति अपार है। वो वास्तविक दुनिया और समांतर दुनिया के बीच का अप्रवेश द्वार है। वो अमेजिस और रुद्र बीज द्वारा बनाई गई महाशक्ति है, और उसकी शक्तियां महान और अपार हैं। तो गुरुजी, उसे कैसे रोक सकते हैं? वो अजय है। उसको रोकने के लिए दुनिया में अभी तक कोई शक्ति पैदा नहीं हुई है। एक बार उसे होश आ गया तो उसकी शक्तियां अपने चरम पर होंगी। बस एक ही रास्ता बचा है। क्या है वो? बचकर भाग जाओ, उसके आने से पहले बहुत दूर भाग जाओ। इंसान नहीं है, वो खुद में एक शक्ति है, अनर्ध्या।